अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन भी सकते होंगे। तो पहले तो मुझे ज़रा कंफर्म करें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है सब लोगों को। जी सर, क्या आ रही है? ठीक है, गुड। तो पहले तो तय हो गया कि आवाज़ सब लोगों को जो है वो क्लियर आ रही है। ठीक है, अब ज़रा हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमने लास्ट टाइम जो हमारी कल जो क्लास हुई थी, अगर हम उस पर ज़रा सा डिस्कशन कर लें, कल हमने क्या डिस्कस किया था। तो कल की क्लास में हमने एक वर्कशीट सॉल्व की थी, और वो वर्कशीट जो थी वो एस्टिमेशन के टॉपिक से रिलेटेड थी, और जो है वो बेस क्वांटिटीज़ और जो डायरेक्ट क्वांटिटीज हैं उससे रिलेटेड थी। ठीक है, अब हमने जो बेस क्वांटिटीज और ड्राफ्ट क्वांटिटीज वाला जो है वो जो टॉपिक पढ़ा था उसको हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आज हम जरा तफसील से बात करेंगे, और तफसील से हम बात करेंगे किसके ऊपर? तफसील से हम बात करेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स के ऊपर। हम तफसील से बात करेंगे किसके ऊपर? ड्राइव्ड यूनिट्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे। ठीक है, अब ड्राइव यूनिट्स के ऊपर बात करने से पहले जो है मैं आपको ज़रा रिकॉल कराऊं कि जब हमने बिल्कुल शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो देखिए मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जो SI यूनिट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। मैंने आपसे कहा था SI यूनिट्स हैं वो दो तरह की होती हैं। SI यूनिट जो है या तो बेस होती है या फिर ड्राइव्ड होती है। ठीक है, ये हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम कि SI यूनिट जो होती हैं वो या तो बेस होती हैं या फिर ड्राइव्ड होती हैं। ठीक है, हमारी बात हुई थी कि SI यूनिट या तो बेस होती है या फिर ड्राइव होती है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक, कोई भी SI यूनिट होती है या तो बेस होती है या फिर ड्राइव होती है। हमने डिस्कस किया था कि बेस यूनिट हमारे सिलेबस में जो है वो पांच है। ठीक है, बेस यूनिट हमारे सिलेबस में पांच है, और जो पांच बेस SI यूनिट हमारे सिलेबस में वो आपके सामने लिखी हुई है। जो पांच बेस SI यूनिट हमारे सिलेबस में है वो कौन कौन सी हैं? वो ये हैं, जिसमें जो है लेंथ की यूनिट मीटर है, मास की यूनिट किलोग्राम है। ठीक है, और टाइम की यूनिट सेकेंड है, टेम्परेचर की यूनिट कैलविन है, और इसके अलावा जो है वो आपके ये आपके पांच बेस SI यूनिट्स लिखी हुई हैं। इसमें आपको याद होगा कि लेंथ की यूनिट मीटर बेस होती है, मास की यूनिट किलोग्राम बेस होती है, टाइम की यूनिट सेकंड बेस होती है, टेम्परेचर यूनिट केल्विन बेस होती है, करंट यूनिट एम्पियर बेस होती है। तो आसान जबान में जो हमारे पास पांच यूनिट्स हैं, कौन कौन सी? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर। ये जो पांच यूनिट्स आपके पास हैं ये पांचों आपके बेस SI यूनिट हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन एंड एम्पियर। और ये आपको पता ही है कि मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है, किलोग्राम मास की यूनिट है, सेकंड टाइम की यूनिट है, केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है, और एम्पियर करंट की यूनिट है। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे ड्राइव यूनिट्स की। जैसे ड्राइव यूनिट मैंने बताया था न्यूटन है, पास्कल है, जूल है, वॉट है, कूलम है, वोल्ट है, और ओहम है। ठीक है, तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ड्राइव यूनिट्स के। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको लास्ट टाइम दी थी कि इसके अलावा जितनी भी SI यूनिट्स होती हैं पाँच के अलावा, एक्चुअली तो सात होती हैं लेकिन हमारे सिलेबस में पाँच हैं, तो इस पाँच के अलावा जितनी भी यूनिट्स होती हैं SI, वो सारी यूनिट्स क्या कहलाती हैं? सारी यूनिट्स ड्राइव यूनिट्स कहलाती हैं। ये जो सारी यूनिट्स लिखी हुई हैं ये सब कौन सी यूनिट्स हैं? ये सब ड्राइव यूनिट्स हैं। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे न्यूटन हो गई, ठीक है, या जूल हो गई, या वॉट हो गया, या पास्कल हो गया, या कूलम हो गया, या वोल्ट हो गया, या ओहम हो गया, ये सब क्या है? ये सब ड्राइव यूनिट्स, ये सब ड्राइव यूनिट्स। ठीक, तो यहाँ पर हमारी जो है बात हो चुकी। अब यहाँ पर जो है वो एक सवाल जो है वो पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि बेस यूनिट्स जो हैं उनको हम बेस यूनिट्स क्यों कहते हैं, और जो ड्राइव यूनिट्स हैं उनको हम ड्राइव यूनिट्स क्यों कहते हैं? तो
उसका जवाब ये है कि बेस यूनिट्स जो हैं उनको बेस यूनिट कहने की वजह ये है कि हमने जो है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हमने एक आर्बिट्रेरीली हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि ये 7 यूनिट्स या ये जो 5 यूनिट्स हैं ये बेस हैं। क्यों बेस हैं? बस हैं। लेकिन जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो ड्राइव्ड क्यों हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो इस वजह से ड्राइव्ड हैं क्योंकि जो ड्राइव यूनिट्स होती हैं बेसिकली वो बेस यूनिट से ही ड्राइव की जाती हैं, यानी कि दुनिया की हर ड्राइव यूनिट जो होती है वो बेस यूनिट से ही मिलकर बनती है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल ये कि फ़र्ज़ करें कि मैं आपसे कहता हूँ कि एक किचन है, ठीक है, इस किचन में बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स रखे हुए हैं। मिसाल तौर पर ये इन्ग्रीडियंट 1 है, ये इन्ग्रीडियंट 2 है, ये इन्ग्रीडियंट 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, इससे लेके फ़र्ज़ करें टोटल जो है 60 इन्ग्रीडियंट्स रखे हुए हैं किचन के। अब इन 60 इन्ग्रीडियंट में क्या क्या होगा, इसमें नमक भी होगा, चीनी भी होगी, मिर्चें भी होंगी, धनिया भी होगा, पुदीना भी होगा, गोश्त भी होगा, चावल भी होंगे, घी भी होगा, तेल भी होगा, दूध भी होगा, और जो है पता नहीं क्या क्या होता है किचन में, ये सारे इंग्रेडिएंट्स। अगर फर्ज करें कि एक शेफ को, एक बावर्ची को हम उस किचन में बंद कर देते हैं और हम बस को फोन पर ऑर्डर करते रहते हैं कि यार ये पका के दो, ये पका के दो, ये पका के दो। हमने उससे पहले कहा यार बिरयानी बना के दो, हमें बिरयानी बना के दे देगा। हम बोलेंगे यार जरा ऐसा करो कि जरा जो है ना वो फ्राइड राइस बना के दो, फ्राइड राइस बना के दे देगा। फिर उससे बोलेंगे अच्छा ऐसा करो जरा ना चिकन पुलाव बना के दो, चिकन पुलाव बना के दे देगा। फिर बोले अच्छा ऐसा करो यार आलू कीमा बना के दो, आलू कीमा बना के दे। फिर बोलेंगे यार अच्छा ऐसा करो यार चिकन जलफ्रेजी बना के दो, जलफ्रेजी बना के दे देगा। हम उससे बोलेंगे अच्छा ऐसा करो खीर बना के दो, खीर बना के दे देगा। हम उससे अच्छा करो ऐसा करो कि ना फ्रूट ट्राइफल बना के दो, फ्रूट ट्राइफल बना के दे देगा। अब ये जो शेफ है आपको जो डिश बोलेंगे वो बना के देता रहेगा। अब वो डिश उसने कैसे बनाई है उसका मसला है, क्योंकि शेफ वो है, हमें खाना आता है, हमें पकाना थोड़ी आता है। लेकिन हम एक बात की जो कंफर्मेशन है, एक बात हमें पक्की है कि उसने जो भी डिश बनाई होगी उसमें उसने 60 में से कोई 2, 3, 4, 5 इंग्रेडिएंट यूज़ किए होंगे। नहीं उसने बिरयानी बनाई है तो बिरयानी बनाने के लिए उसने इन इंग्रेडिएंट में से नमक लिया होगा, मसाले लिए होंगे, चावल लिया होगा, तेल लिया होगा, गोश्त लिया होगा। या उसने अगर खीर बनाई है तो इन्हीं इंग्रेडिएंट में से उसने चीनी ली होगी, दूध लिया होगा, चावल लिए होंगे, शायद चावल भी शायद डलते हैं खीर में। या उसने अगर चिकन जलफ्रेजी बनाई है तो उसने यहाँ से जो है शायद शिमला मिर्च ली होगी, यहाँ से उसने मिर्चें ली होंगी, नमक लिया होगा, चिकन ली होगी, तेल लिया होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो 1000 डिशेज भी अगर बना ले ना तो 1000 डिशेज के जो सारे इन्ग्रीडियंट्स होंगे वो उन 60 इन्ग्रीडियंट में से ही कोई 2, 4, 5, 10 होंगे। आउटसाइड दिस किचन जो है वो कोई इन्ग्रीडियंट नहीं होगा, सारे इन्ग्रीडियंट किचन में से किसी इन्ग्रीडियंट को यूज करके उसने डिश बनाई होगी। अब आ जाए यहाँ पर, इसी तरह से जिस तरह से हमारे किचन में 60 इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे, ऐसे ही हमारे जो है वो यूनिट्स के किचन में ये 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको आप बेस यूनिट्स कहते हैं। वैसे तो 7 होते हैं लेकिन हम 6ठे 7वें की बात नहीं कर रहे हैं। ड्राइव यूनिट्स वो डिशेज होती हैं जो कि हम बनाते हैं। जैसे हमने एक डिश बनाई जिसका नाम है न्यूटन, तो न्यूटन को बनाने के लिए इन 5 में से कोई 2, 3, 4 इंग्रेडिएंट यूज हुए होंगे। हमने जूल बनाया, जूल को बनाने में इन 5 में से कोई 2, 3, 4 जो है वो इंग्रेडिएंट यूज हुए होंगे। यानी कि जितनी भी ड्राइव यूनिट्स होती हैं वो बेसिकली इन बेस यूनिट से ही मिलकर बनती हैं। जितनी भी ड्राइव यूनिट्स होती हैं बेसिकली वो इन बेस यूनिट से ही मिलकर बनती हैं। हमें आज ये सीखना है कि कोई ड्राइव यूनिट जो होती है उसको हम उसकी बेस यूनिट्स में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपसे बोलूँगी आपके सामने बिरयानी रखी हुई है, अब आप मुझे इसका एनालिसिस करके बताएं कि ये कौन कौन से ग्रेडियंट से मिलकर बनी है। तो आपके पास कोई ना कोई प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के जरिए आप बताएंगे कि इस बिरयानी के इंग्रेडिएंट हैं चावल, तेल, गोश्त, नमक, मिर्चे, पिसा हुआ धनिया वगैरह वगैरह। ऐसे मैं आपसे बोलूंगा भाई ये बताएं न्यूटन एक ड्राइव यूनिट है, ये बताएं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी किन बेस यूनिट से मिलकर बनी है। तो इसको आप डीकम्पोज करके, इसको आप एनालिसिस करके, इसको आप जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके मुझे बताएंगे कि न्यूटन जो है वो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर में से कौन कौन सी बेस यूनिट से मिलकर बनी है। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम बोलेंगे एक्सप्रेसिंग अ ड्राइव यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। यानी कि एक ड्राइव यूनिट को हम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जो है एक्सप्रेस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है एक्सप्रेसिंग अ ड्राइव यूनिट Expressing our drive unit in
बेस यूनिट या इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, यानी हम ये सीखेंगे एक ड्राइव यूनिट को किस तरह से हम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है एक्सप्रेसिंग अ ड्राइव यूनिट इन टर्म्स ऑफ अ बेस यूनिट। ठीक है, एक ड्राइव यूनिट को किस तरह जो है हम इन टर्म्स ऑफ अ बेस यूनिट जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारा आज का ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ, प्रोसीजर बहुत सिंपल है। प्रोसीजर ये है कि अगर मैं आपको एक ड्राइव यूनिट देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस न्यूटन जो कि एक ड्राइव यूनिट है, एक्सप्रेस यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, यानी कि न्यूटन को आप बेस यूनिट्स की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करें, ये सवाल है। ठीक है, अब देखें जब भी ये सवाल आएगा जिसमें आपको एक ड्राइव यूनिट को बेस यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा, तो उसका एक कौन सा उसका एक फिक्स प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपको जिस यूनिट को बेस यूनिट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है वो यूनिट है किस सी, तो पता चलेगा कि भाई न्यूटन जो है वो किसकी यूनिट है, न्यूटन जो है वो फोर्स की ऐसा यूनिट है। ठीक है, अब जिस क्वांटिटी की ये यूनिट है, जैसे मिसाल के तौर पर न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो जिस क्वांटिटी की ये यूनिट है आपको उस क्वांटिटी का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, यानी कि आपको फोर्स का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि फोर्स किसके बराबर होती है, एफ बराबर होता है एमए के, यानी कि फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होती है। आपको पता है कि फोर्स जो है मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होती है। अब ये करें कि इस फॉर्मूले में हर क्वांटिटी की जो है वो आप एक यूनिट पुट करें, हर क्वांटिटी की आप एक यूनिट पुट करें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो न्यूटन होती है। ऐसे यूनिट ऑफ मास क्या होती है, यूनिट ऑफ मास जो है वो किलोग्राम होती है। और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो फोर्स की यूनिट यानी कि न्यूटन बराबर होगी मास की यूनिट यानी कि किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब ये हुआ कि बेसिकली कि 1 न्यूटन जो है बराबर होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन बराबर होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब जरा देखें, मैंने न्यूटन को जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सप्रेस किया है, क्या किलोग्राम एक बेस यूनिट है, क्या किलोग्राम एक बेस यूनिट है, तो उसका जवाब है कि हाँ किलोग्राम एक बेस यूनिट है। क्या मीटर एक बेस यूनिट है, तो उसका जवाब है कि हाँ मीटर एक बेस यूनिट है। मैं बोलूँ क्या सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एक बेस यूनिट है, यस सेकंड भी एक बेस यूनिट है। तो आपने न्यूटन को बेस यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो पता ये चला भाई कि जो न्यूटन होता है वो बेसिकली इक्विवेलेंट होता है किसके, बेसिकली इक्विवेलेंट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। तो ये आपने जो है वो न्यूटन को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एक्सप्रेस कर दिया। चलें अब और आगे चलते हैं। अब एक और सवाल है, एक और जो सवाल है वो क्या है, वो सवाल ये है भाई कि आप एक्सप्रेस कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेस पास्कल, पास्कल का मतलब क्या है, कैपिटल पी स्मॉल है, एक्सप्रेस पास्कल इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स। अगला हमारा टास्क ये है कि हमें पास्कल को जो इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स एक्सप्रेस करना है। तरीका मैंने आपको बताया कि पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज को आपको एक्सप्रेस करना है वो है किस चीज की यूनिट, तो आपको पता होना चाहिए कि पास्कल जो यूनिट है किसकी, प्रेशर की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस ड्राइव यूनिट को आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, पहले तो पता होना चाहिए कि वो है किसकी यूनिट, वो प्रेशर की यूनिट है। फिर जिस चीज की वो यूनिट है आपको उस चीज का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला आई होप कि आप सबको आता होगा।
सबको फॉर्मूला आता होगा कि प्रेशर किसके बराबर होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है, ठीक है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। अब अभी देखें प्रेशर की यूनिट हम क्या यूज करते हैं, प्रेशर यूनिट हम पास्कल यूज करते हैं, फोर्स की यूनिट हम क्या यूज करते हैं, न्यूटन यूज करते हैं, और एरिया की यूनिट हम क्या यूज करते हैं, एरिया की यूनिट हम मीटर स्क्वायर यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्कल बराबर होता है बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अब मीटर क्या बेस यूनिट है, तो जवाब ये है कि हाँ भाई मीटर तो बेस यूनिट है। क्या न्यूटन बेस यूनिट है, तो जवाब ये है कि भाई न्यूटन बेस यूनिट नहीं है, हमें तो पास्कल को बेस यूनिट में एक्सप्रेस करना है ना, तो हम न्यूटन को मजीद सॉल्व करेंगे। फॉर्चुनेटली हम पहले ही मालूम कर चुके हैं कि न्यूटन जो है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट किसके बराबर होता है, फॉर्चुनेटली हम पहले ही मालूम कर चुके हैं न्यूटन जो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिहाजा न्यूटन की जगह हम रिप्लेस करेंगे इसकी बेस यूनिट की वैल्यू यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर जो है इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा किलोग्राम सेकंड माइनस टू अपॉन मीटर, इस मीटर को आप ऊपर ले आएंगे तो ये जाएगा किलोग्राम मीटर माइनस वन सेकंड माइनस टू, ठीक है। तो पता ही चला कि जो पास्कल होता है बेसिकली वो बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट किलोग्राम मीटर माइनस वन सेकंड माइनस टू, ठीक है जी। अच्छा एक चीज आप लोग और जरा ध्यान में रखें कि बचपन में जब आप ओ लेवल्स में पढ़ते थे तो आप यूनिट्स लिखा करते थे, आप लिखते थे कि भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब आप बड़े हो गए तो जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आप यूनिट्स को जो है वो फ्रैक्शन में नहीं लिखते बल्कि एक सिंगल लाइन में लिखते हैं। अब मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप एक डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर आते हैं, न्यूमरेटर बनाते हैं, तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जब आप सिंगल लाइन में लिखेंगे तो जगह मीटर और सेकंड की जगह माइनस टू आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मीटर को ऊपर लेकर आएंगे तो माइनस टू हो जाएगा, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आप मीटर क्यूब को ऊपर लेकर आएंगे तो किलोग्राम मीटर माइनस थ्री हो जाएगा। तो अब हम जो यूनिट लिखा करेंगे वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखा करेंगे बल्कि मीटर सेकंड माइनस टू लिखा करेंगे, पढ़ेंगे उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही, ऐसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब को हम किलोग्राम मीटर माइनस थ्री लिखा करेंगे। तो इसलिए जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि आप सारी यूनिट्स को एक लाइन में लिखें। फ्रैक्शन में यूनिट्स को लिखना गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा मेच्योर तरीका ये है कि आप यूनिट्स को एक लाइन में लिखें, उसको आप फ्रैक्शन में ना लिखें तो बेहतर है, ठीक है जी। हमने पास्कल की बात कर ली, चलिए जी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्सप्रेस जूल, एक्सप्रेस जूल इन टर्म्स ऑफ, एक्सप्रेस जूल इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स। जूल आपको पता है एक ड्राइव यूनिट है, इसको आपको इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करना है। अब पहला स्टेप, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जूल जो है वो किस चीज की यूनिट है। सबसे पहले आपको बता रही है कि जूल किस चीज की यूनिट है, तो पता चला कि जूल जो है बेसिकली वर्क की यूनिट होती है भाई। दूसरा स्टेप ये आपको वर्क का फॉर्मूला आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला। तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क को आप जूल में नाप रहे हैं, फोर्स को आप न्यूटन में नाप रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट को आप मीटर में नाप रहे हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जूल बराबर हुआ न्यूटन मीटर के। इसमें मीटर तो बेस यूनिट है, लेकिन क्या न्यूटन बेस यूनिट है, तो जवाब ये है कि न्यूटन बेस यूनिट नहीं है। लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे पास न्यूटन की वैल्यू मौजूद है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। तो हम लिख सकते हैं कि जूल बराबर है न्यूटन की, हमने वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट क्या निकाली थी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह हमने लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने किसकी जगह लिखा, हमने न्यूटन की जगह लिखा, और आगे एक मीटर और लिखा हुआ है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब हमारे पास 2 मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, फिर जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जूल होता है बेसिकली वो बराबर होता है किसके, बेसिकली बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू के बराबर होता है। यानी अगर आप जूल को इन टर्म्स ऑफ बेस असाइनमेंट एक्सप्रेस करें तो जूल बराबर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। ये जूल हो गया भाई, जूल हो गया। अब और आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन में हमें ये करना है कि हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस कर दें वॉट को, एक्सप्रेस वॉट, एक्सप्रेस वॉट यानी कैपिटल डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ बेस असाइनमेंट। ठीक है, अब आपको जो है वो वॉट को इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट जो एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस वॉट इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई। अब ये वाली बात है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉट यूनिट किसकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉट जो है बेसिकली वो यूनिट है किसकी, वॉट यूनिट है पावर की। अब अगर वॉट पावर की यूनिट है तो आपको पावर का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। पावर का बेसिक फार्मूला क्या होता है, पावर का बेसिक फार्मूला होता है फर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर का बेसिक फार्मूला क्या होता है, पावर का बेसिक फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। अब पावर को आप किस में नापेंगे, पावर को आप वॉट में नापेंगे, वर्क को आप जूल में नापेंगे और टाइम को आप सेकेंड में नापेंगे। तो वॉट बराबर हुआ जूल पर सेकेंड के, लेकिन सेकेंड जो है वो तो बेस यूनिट है। क्या जूल जो है वो बेस यूनिट है, जवाब है कि नहीं, जूल बेस यूनिट नहीं है। जूल को ब्रेक करते हैं, जूल बराबर होता है न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर के। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अभी सेकेंड और मीटर दोनों बेस यूनिट हो गए, लेकिन न्यूटन अब ड्राइव यूनिट है। लेकिन न्यूटन की वैल्यू हमारे पास है, न्यूटन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे एक मीटर है और नीचे एक सेकंड है। अब क्या होगा, अब ये होगा किलोग्राम हो गया, मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर सेकंड माइनस टू, नीचे सेकंड है। जब नीचे वाला सेकंड ऊपर आएगा तो सेकंड माइनस वन हो जाएगा, और सेकंड माइनस टू और सेकंड माइनस वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड माइनस थ्री हो जाएगा। तो पता ही चला कि जो बेसिकली वॉट है वो बराबर है किसके, वॉट बराबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री के बराबर है। तो पता चला कि वॉट जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री के बराबर। ये भी हो गया, और देखें और इस तरह से भी आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है कि एक्सप्रेस कूलम कैपिटल सी, एक्सप्रेस कूलम इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट। ठीक है, एक्सप्रेस कूलम इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट, कूलम को आपको इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करना है। कर देते हैं भाई, सबसे पहले आपको पता चाहिए कूलम यूनिट किसकी है, तो पता चलेगा भी कूलम जो है वो यूनिट है किसकी, चार्ज की। अब आपको देखना चाहिए कि चार्ज का फॉर्मूला क्या हो सकता है, चार्ज का फॉर्मूला हो सकता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन डी होता है तो क्यू इक्वल्स टू आई डी होगा। अब चार्ज की जो ऐसा यूनिट है आपके पास वो क्या है, चार्ज की जो ऐसा यूनिट है आपके पास वो है कूलम, करंट के ऐसा यूनिट है एम्पियर और टाइम के ऐसे यूनिट है सेकंड। अब ये बताएं मुझे कि क्या सेकंड बेस यूनिट है, तो इसका जवाब ये है कि सेकंड एक बेस यूनिट है। दूसरा सवाल ये कि क्या एम्पियर एक बेस यूनिट है, तो इसका जवाब है कि एम्पियर भी बेस यूनिट है। एम्पियर बेस यूनिट नहीं है, शाबाश, एम्पियर बेस यूनिट नहीं है भाई। एम्पियर बेस यूनिट नहीं है, क्या लिखा हुआ है भाई, एम्पियर बेस यूनिट है, पांच बेस यूनिट है,
मीटर किलोग्राम सेकंड केल्विन एम्पियर, एम्पियर बेस यूनिट है, ठीक है। तो आपने ऑटोमेटिकली जो है इसको कूलम को जो है वो बेस यूनिट में एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि कूलम जो है वो सिंपली किसके बराबर है, कूलम सिंपली एम्पियर सेकंड के बराबर है, ठीक है, कूलम सिंपली एम्पियर सेकंड के बराबर है, ठीक है। ऑल राइट, और आगे चलते हैं। जब हम और आगे चलेंगे तो अगला सवाल जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है कि एक्सप्रेस वोल्ट, वोल्ट को आप एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट, ठीक है। आप वोल्ट को इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करना है आपको, ठीक है, वोल्ट को इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करना है। अब सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि वोल्ट यूनिट किसकी होती है भाई, तो पता ही चला कि भाई वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, वोल्टेज जिसे कहते हैं। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला आपको ओलिवेंस में पढ़ाया गया था। पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज, डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे यूनिट्स पुट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस आप वोल्ट में नाप रहे हैं, वर्क डन आप जूल में नाप रहे हैं, चार्ज आप कूलम में नाप रहे हैं। तो वोल्ट बराबर हुआ जूल पर कूलम। अब इत्तेफाक से ना तो कूलम बेस यूनिट है और ना ही जूल बेस यूनिट है, ना तो कूलम बेस यूनिट है और ना ही जूल बेस यूनिट है। अलबत्ता दोनों को हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। जूल को हमने ड्राइव किया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू, अभी पीछे ड्राइव किया। और कूलम को हमने क्या ड्राइव किया था, कूलम को हमने ड्राइव किया था एम्पियर सेकेंड। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो है यूनिट्स को फ्रिक्शन में, फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, तो अगर आप एम्पियर को ऊपर लेकर आएंगे तो ये ए माइनस वन हो जाएगा, सेकंड को ऊपर लेकर आएंगे तो सेकंड माइनस वन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा किलोग्राम, उसके अलावा बचेगा मीटर स्क्वायर, और सेकेंड माइनस टू और सेकेंड माइनस वन कितना हो जाएगा, सेकेंड माइनस थ्री एन एम्पियर माइनस वन। तो पता ही चला कि इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जो वोल्ट होता है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस थ्री एम्पियर माइनस वन के। वोल्ट को अगर आप इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एक्सप्रेस करें तो इसके बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस थ्री एम्पियर माइनस वन के बराबर होता है। और देखेंगे, अब फर्स्ट के एग्जामिनर आपसे फरमाइश करता है, वो कहता है कि भाई एक्सप्रेस करें आप, किसको एक्सप्रेस करें, आप एक्सप्रेस करें ओहम को, एक्सप्रेस ओहम, ओहम को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ बीएसएसआई यूनिट्स। आप जो है वो ओहम को जो इन टर्म्स ऑफ बीएसएसआई यूनिट एक्सप्रेस करें ओहम को। अब इसके लिए आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि ओहम यूनिट किसकी है, तो पता चला कि ओहम जो वो यूनिट है वो किसकी यूनिट है, वो रेजिस्टेंस की यूनिट है। ओहम जो यूनिट है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है। अब आपको रेजिस्टेंस का जो है बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेजिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला आपने ओलिवेज में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस का जो आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था ओलिवेज में, वो ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस बराबर होती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था ओलिवेज में, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट पढ़ा था। अब अगर ये यूनिट्स पुट करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है और करंट की एम्पेयर है। अब इसमें से एम्पेयर तो बेस यूनिट है लेकिन वोल्ट बेस यूनिट नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली हम वोल्ट को ड्राइव कर चुके हैं, वोल्ट को पीछे हमने ड्राइव किया है। और वोल्ट हमने क्या ड्राइव किया, वोल्ट हमने ड्राइव किया है जनाब किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री एन एम्पियर माइनस वन। हमने वोल्ट को ड्राइव किया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री एन एम्पियर माइनस वन। तो वोल्ट की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वोल्ट की वैल्यू आ गई।
जिसको हमने जो है वो ड्राइव किया था, ठीक है, जो वोल्ट की वैल्यू आ गई जिसको हमने ड्राइव किया था, और इसको डिवाइड कैसे करना है, इसको डिवाइड करना है एम्पियर से। तो जब एम्पियर ऊपर जाएगा, ये जब ये एम्पियर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके माइनस वन होगा, जब ये एम्पियर ऊपर जाके माइनस वन होगा तो माइनस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। तो तय पाया कि ओहम जो होता है, अगर उसको आप बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करें तो ओहम बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस थ्री एम्पियर माइनस टू के बराबर होता है। ओहम को अगर आप बेस ऐसा यूनिट्स की टर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस थ्री एम्पियर माइनस टू, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो आप किसी एक ड्राइव यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो काम आप कर रहे हैं ये डिफरेंट और तरीकों से भी किया जा सकता है, मतलब और तरीकों से और डिफरेंट एंगल से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। मतलब मिसाल तौर पर एग्जामिनर जो आपसे किसी पर्टिकुलर चीज की यूनिट को ड्राइव करने को भी कह सकता है। अगर मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूँ, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ये कि मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये कि इफ एफ इज इक्वल टू थ्री पाई और वी आर एंड अपना टी, ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया, एफ इज इक्वल टू थ्री पाई वी आर टी, ये एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है फोर्स, थ्री पाई तो होता है एक नंबर है, V का मतलब है यहाँ पर स्पीड, R का मतलब यहाँ पर है रेडियस, और T का मतलब यहाँ पर है एक अननोन, हमें नहीं पता T क्या चीज है, हमें नहीं पता T क्या चीज है। तो हमसे सवाल ये किया जा रहा है कि ड्राइव बेस SI यूनिट्स ऑफ T, तो बताएं कि बेस SI यूनिट्स की फॉर्म में T की यूनिट्स क्या होंगी। अब देखिए हमें जो फॉर्मूला गिवन है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जिस चीज़ के हमें यूनिट मालूम करनी है उसको सब्जेक्ट बना लें। तो इस फॉर्मूले में हमें टी की यूनिट को मालूम करना है, तो अगर हम टी को अगर सब्जेक्ट बना लें तो टी बराबर आएगा एफ अपॉन थ्री पाई वी आर। अब अगर आपको यूनिट्स ऑफ टी मालूम करनी है तो आप ये करें कि फॉर्मूला जो आपने बनाया है, टी को जो आपने सब्जेक्ट बनाया है, तो इस फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ आ रही है सबकी यूनिट्स पुट कर दें। मिसाल तौर पर फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, थ्री एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट होती है नहीं होती, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी जगह कुछ नहीं लिखें। पाई की कोई यूनिट होती है, पाई 3.14 होता है 22.7, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, कुछ नहीं लिखें। वी स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, और आर रेडियस है, रेडियस मतलब एक लेंथ, और किसी भी लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें तो बेस यूनिट चाहिए, न्यूटन तो बेस यूनिट नहीं है, तो न्यूटन की जगह न्यूटन की बेस यूनिट की वैल्यू लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस टू, और नीचे लिखा हुआ है मीटर सेकेंड माइनस वन और मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो बचेगा किलोग्राम सेकेंड माइनस टू, निचला सेकंड माइनस वन ऊपर आकर प्लस वन हो जाएगा और मीटर ऊपर आकर माइनस वन हो जाएगा। अब सेकंड माइनस टू और सेकंड प्लस वन क्या बचेगा, सेकंड माइनस वन एंड मीटर माइनस वन। तो पता ही चला कि जो यूनिट्स ऑफ टी होंगी बेसिकली यहाँ पर वो क्या होंगी, यूनिट्स ऑफ टी यहाँ पर बेसिकली होंगी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। और देखें, आपने बोले इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होगा, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। ओलिवेज आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर स्मॉल सी बराबर है क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा के, देन एक्सप्रेस यूनिट्स ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ बेस SI यूनिट्स। ठीक है, अगर ये स्मॉल सी का फॉर्मूला है क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा, तो इसको
सी की यूनिट्स को आप इन टर्म्स ऑफ बेस असाइनमेंट एक्सप्रेस करें, जहां पर हर चीज का मतलब आपको बताना चाहिए। स्मॉल सी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट, क्यू का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, एम का मतलब होता है मास, और डेल्टा चीजा का मतलब क्या होता है, डेल्टा चीजा मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर आप जो है वो यूनिट्स ऑफ सी मालूम करने के मुतमन्नी हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबकी यूनिट पुट करनी होगी। मिसाल तो भाई क्यू यानी कि अमाउंट ऑफ हीट, हीट को किसमें नापते हैं, जूल्स में, मास किलोग्राम में, और टेम्परेचर किसमें, केल्विन। अब किलोग्राम बेस यूनिट है, केल्विन बेस यूनिट है, लेकिन जूल तो बेस यूनिट नहीं है ना, तो हमने जो जूल की वैल्यू निकाली है वो पुट कर सकते हैं यहाँ पर। जूल की वैल्यू निकाली हुई है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू, नीचे क्या लिखा हुआ, किलोग्राम इंटू केल्विन, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, यूनिट्स ऑफ सी क्या बन जाएगी, मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू, और केल्विन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो यूनिट्स ऑफ सी का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू केल्विन माइनस वन, ये आपकी यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ बेस असाइनमेंट। ऐसी और एग्जांपल देखें, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इफ ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, अगर ई जो है वो एफ अपॉन क्यू के बराबर है, जहां पर ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये एक चीज है जो हम ए टू में पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं पढ़े, लास्ट ईयर तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एस में हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो ये ए टू में शिफ्ट कर दिया इसको। तो ई का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और एफ का मतलब अगर फोर्स है, और क्यू का मतलब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो फिर हमें क्या करना है, देन एक्सप्रेस SI base units of electric field strength. Electric field strength की बेस असाइनमेंट्स बताएं क्या होगी। अब देखें तरीका वही है, जिसकी यूनिट चाहिए उसको सब्जेक्ट बना लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर है फोर्स अपॉन चार्ज के, तो जो यूनिट्स होंगी की वो क्या होंगी, यूनिट्स जो की हो जाएंगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। अब ना तो न्यूटन बेस यूनिट है ना कूलम बेस यूनिट है, तो आपको न्यूटन और कूलम दोनों को बेस यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। न्यूटन को अगर आप बेस यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो हमने पिछले इसको कन्वर्ट किया हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और कूलम को कन्वर्ट करें तो कूलम को हमने कन्वर्ट किया हुआ है एम्पियर सेकंड में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किलोग्राम हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, सेकंड माइनस टू हो जाएगा, नीचे वाले जब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट होंगे तो एम्पियर के ऊपर माइनस वन आएगा और सेकंड के ऊपर माइनस वन आएगा, तो उसका आंसर बन जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और एम्पियर पर एक माइनस वन। तो ये जो है आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक। और देखें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है कि इफ यंग मॉडुलस, अभी यंग मॉडुलस क्या होता है ये हम अभी चैप्टर नंबर सिक्स में पढ़ेंगे। इफ यंग मॉडुलस ई इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू एक्स, अगर यंग मॉडुलस ई जो है वो बराबर है एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू एक्स के, वेयर जहां पर एफ का मतलब है फोर्स, एल का मतलब है ओरिजिनल लेंथ, ई का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और एक्स का मतलब है एक्सटेंशन इन लेंथ,
देन एक्सप्रेस यूनिट्स ऑफ यंग मॉड्यूलस यानी कि ई इन टर्म्स ऑफ बीएसएसआई यूनिट, इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है और हर चीज का मतलब लिखा हुआ है। आप यूनिट्स ऑफ ई को आपको इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो नहीं आप लोग ट्राई करें, इसलिए मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ पूरे। अच्छा आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, इसमें फौजान साहब ने बोला है कि पावर जो है वी इन टू आई के बराबर भी होता है, बिल्कुल होता है वी इन टू आई के बराबर, आप वहाँ से सॉल्व कर लें वहाँ से भी आ जाएगा आंसर। और इसके अलावा जो है वो एक साहब ने बोला है हारी साजिद साहब ने कि कहा सर हम सेंटीग्रेड यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एसआई यूनिट्स की बात हो रही है, तो जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है, सेंटीग्रेड नहीं होती, इसलिए हमने केल्विन यूज़ किया। अदरवाइज नॉर्मली आप सेंटीग्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जो होती है बहरहाल केल्विन होती है, सेंटीग्रेड नहीं होती, दैट्स व्हाई। चलिए जिसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आप यंग मॉड्यूलस को, ई को, इसकी यूनिट जो है उसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स निकालने की कोशिश करें। तो एक जवाब आया किलोग्राम मीटर माइनस वन सेकंड माइनस टू, ठीक है सही यही होगा फिर आंसर, सबका यही आ रहा है किलोग्राम मीटर माइनस वन सेकंड माइनस टू। देखते हैं इसको, देखें जो आपका यंग मॉडुलस है वो बराबर है एफ इंटू ए डिवाइड बाई ए इंटू एक्स, एफ का मतलब है फोर्स, तो फोर्स यूनिट तो न्यूटन में होती है, एल का मतलब है ओरिजिनल लेंथ, कोई सी भी लेंथ हो यूनिट मीटर होती है, ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई सा भी एरिया हो यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, और एक्स मतलब एक्सटेंशन इन लेंथ, तो एक्सटेंशन भी बेसिकली एक लेंथ ही होती है ना, इंक्रीज इन लेंथ, तो उसकी यूनिट भी मीटर होती है। तो जब आप यूनिट्स पुट करेंगे यहाँ पर, तो ऊपर यूनिट आएगी न्यूटन मीटर, और नीचे यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर एंड मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू, नीचे बचा हुआ है मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल, तो जब ये नीचे वाला मीटर ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन सेकंड माइनस टू, तो इसकी जो यूनिट आ गई किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस टू आ गई। अच्छा अब जरा एक चीज़ को जरा देखें, अभी कुछ देर पहले मैंने एक यूनिट ड्राइव की थी, और वो यूनिट ड्राइव की थी किसकी, प्रेशर की, ये देखें ड्राइव हुई है प्रेशर यूनिट पास्कल, और से देखें तो प्रेशर यूनिट पास्कल है वो भी किलोग्राम मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस टू है या नहीं है, पास्कल जो है वो भी बेसिकली किलोग्राम मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस टू के बराबर है, और यंग मॉडल्स की जो यूनिट आई है वो भी किलोग्राम मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस टू के बराबर, जिसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली यंग मॉडल्स की जो यूनिट होती है वो भी पास्कल ही होती है, जिसको आप जब इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बनेगी, जब उसको आप इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एक्सप्रेस करेंगे तो वो किलोग्राम मीटर माइनस वन और सेकंड माइनस टू बनेगी, ठीक है। एक और सवाल देख लें, ये सब फॉर्मूले हम पढ़ेंगे आगे ना डिफरेंट चैप्टर्स में, इसलिए जो जो फॉर्मूले याद आ रहे हैं मैं लिखता जा रहा हूँ। एक फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू kx, यहाँ पर f का मतलब है फोर्स, k का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट,
और x का मतलब है एक्सटेंशन, f का मतलब है फोर्स, k का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट और x का मतलब है एक्सटेंशन। तो आपको क्या करना है, आपको डिटरमिन करना है बेस यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। डिटरमिन बेस SI यूनिट्स ऑफ k, स्प्रिंग कांस्टेंट k की बेस यूनिट्स आप x जो है वो आप ड्राइव करें। अब देखें फॉर्मूले के हिसाब से जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k वो किसके बराबर होगा, वो f अपॉन x के बराबर होगा। रादर यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k जो बनेंगी वो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एक्सटेंशन इज अ टाइप ऑफ लेंथ, उसकी यूनिट बनेगी मीटर। अब किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम होता है सॉरी न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू, और नीचे मीटर लिखा हुआ है तो मीटर से मीटर कैंसिल। तो k के जो यूनिट्स बनेंगी बेस वो क्या बनेंगी, किलोग्राम मीटर माइनस टू। ठीक है, तो मैंने आपको जो है वो न्यूमरस एग्जांपल्स करवाई जिसके जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश। ठीक है, तो आई होप कि बात आप लोगों की समझ में आई होगी, और बस आज के लिए इतना काफ़ी है, आज इसको हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक, उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह ताला जो है कल की क्लास तो आपकी नहीं होगी, अब आपकी अगली क्लास मंडे को है, तो मंडे को जो आपकी क्लास होगी उसमें फिर हम इस टॉपिक की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, यानी कि वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी PDF और उसकी रिकॉर्डिंग तो कॉलेज वाले खरीद देते होंगे आपको, इसकी PDF जो है वो मैं आपको कर देता हूँ। जी बेटा बोलो। सर वो आपने गलती कर दी है, लास्ट तरफ खोले एक मिनट। अच्छा हाँ सही कह रहे हो, एम की जगह एस होगा ना, एस होगा मैंने तो जगह किलोग्राम सेकंड माइनस टू हो जाएगा। ठीक है सही है, एम की जगह। सर आपने वर्कशीट भी दी थी ऑलरेडी, दोबारा बोलो, आपने वर्कशीट भी दी थी कोई, या फिर आप अभी फर्स्ट फर्स्ट सॉल्व करवाएंगे मंडे को? अबे भाई ये वर्कशीट 1 सॉल्व की भी था कल, ये क्या किया था, ये क्या है? अच्छा हाँ हाँ सब होता याद है, अच्छा मतलब आप होमवर्क, मैं मतलब क्या होमवर्क देने की बात कर रहे हैं? नहीं होमवर्क नहीं है, होमवर्क नहीं होगा, दो वर्कशीट मैंने दो, तो मैंने चार तरह के काम करेंगे हमने पूरे साल में। हम वर्कशीट्स क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस क्या करेंगे, हम असाइनमेंट्स क्या करेंगे, और हम टेस्ट दिया करेंगे। तो वर्कशीट जो है वो मैं क्लास में सॉल्व कराया करूंगा एज अ सैंपल क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से आप लोग प्रैक्टिस किया करेंगे, उसके आंसर्स मैं आपको दे दिया करूंगा, बुक में दिए हैं उसके आंसर। जब आप कॉलेज आएंगे ना पहले दिन, तो पहले दिन आपको बुक पकड़ा देंगे आपके हाथ में, प्रैक्टिस की बुक आपके हाथ में पकड़ा देंगे। ठीक है, और फिर असाइनमेंट्स मैं आपको दिया करूंगा होमवर्क के तौर पर, आप घर से करके लाया करेंगे, और टेस्ट आप कॉलेज में दिया करेंगे। तो इस तरह से चार तरह की वर्कशीट हम सॉल्व किया करेंगे हर टॉपिक की। ठीक है, ओके सर, चलो मिलते हैं मंडे की क्लास। सर एक चीज मुझे पूछनी थी, हमारी जो कोर्स बुक होगी वो थर्ड एडिशन वाली होगी ना, जो लेटेस्ट एडिशन है? देखो मैंने तुम्हें दोनों बुक के नाम और उनके ISBN नंबर लिख के दे दिए, सबसे आसान तरीका होता है ISBN नंबर। तो आपको जो बुक चाहिए है ना, हाँ लेटेस्ट एडिशन लो, लेकिन उसको ISBN जो है टैली कर लेना, अगर वो पुराना एडिशन होगा ना तो उसका ISBN नंबर कुछ और होगा। ठीक है, वो टैली कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे की क्लास में।